Hi everyone, this is Vidya here from Vidya's Kitchen Yummy Cakes, and I'm going to show you today red velvet cheese cream frosting and one design with red velvet cake. And if you want to learn this red velvet original sponge, you have to do my sponge class, which I have conducted online. So just WhatsApp me on 9699833833 and take the detail of the class. It's still little lukewarm cake hai kyunki abhi garam garam banaya tha. आज के लाइव ऑनलाइन में ये रेड वेलवेट स्पॉन्ज सिखाया है. मैं बाकी के केक्स भी आपको दिखाती हूँ. अगर ये क्लास अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो. यू हैव टू सोक द केक विद नाइस वाटर फ्रॉम साइड्स. टू मिनट नाउ टू मेक अ चीज क्रीम. सबसे पहले मैं चीज क्रीम ले रही हूँ, दैट इज अ डेलिक्टा का चीज क्रीम आता है. नाउ इट इज अप टू यू हाउ मच चीजी यू लाइक, आपको चीजी फ्लेवर कितना पसंद है. आई एम टेकिंग 100 ग्राम्स. मैं 100 ग्राम्स ले रही हूँ. अगर ये आपने फ्रिज में रखा है तो एक आधा घंटा पहले फ्रिज से निकालो, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगा. आपको बीटर की देखो कितना सॉफ्ट हो गया है, आपको बीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको यूज करने के लिए, क्योंकि वो कड़क रहेगा तो. ओके एंड नाउ इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस और हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ पाउडर शुगर. ओके एंड इसको अच्छे से मिलाएंगे. सी नाउ दिस इज डन, दिस इज योर चीज क्रीम रेडी. नाउ किसी को भी चीज क्रीम डायरेक्टली खाना पसंद नहीं है, तो इसमें मैं एड ऑन करूंगी मेरा व्हिप क्रीम. जो व्हिप क्रीम है जो मैंने ऑलरेडी बीट करके रखा हुआ है, ये ट्रॉपोलाइट का क्रीम है. उधर मसल सी नाइसली इट इज मिक्स्ड अप with the cheese. So this is your cheese cream ready. It's very very tasty here. Now ध्यान दो कि आपका स्पॉन्ज कंप्लीटली ठंडा होना चाहिए, और अगर लूक वार्म है तो क्या करो, चिल्ड पानी से आप आपके स्पॉन्ज को सोक करो. Now पैलेट नाइफ. If you like, you can put white choco chips here. These are very tasty. या आप चॉकलेट को ग्रीड भी कर सकते हो, व्हाइट चॉकलेट को थोड़ा सा आप ग्रीड भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो. ये मेरा कोई ऑर्डर का केक नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए लाइव आई हूँ, क्योंकि ये आज मैंने लाइव ऑनलाइन में सिखाया था ये केक, तो मैंने इसके लिए मैं आई हूँ ये केक. नाउ सी दिस इज अ डोम हियर, राइट. नाउ इस डोम को मैं ऊपर से थोड़ा सा कट करूंगी सी, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द केक. मुझे केक का हाइट बढ़ाना है, तो मैंने ये थोड़ा लुकवा मैं हल्का. थोड़ा गर्म है, ठीक है. आई हैव सोक फ्रॉम डाउन और इसको उल्टा रखूंगी सी. Now you can see the gaps here. अभी इस gaps को भरने के लिए ये क्रीम मैं साइड से ऐसे लगा रही हूँ, all 4 sides, and just with the tip of, just use the tip, इसको गोल घुमा दो. See nicely. This will increase the height of the cake. This is the technique to increase the height of the cake. See nicely soaking the.
question for 5. If you need for 5. 590. Yeah. 591. So this is our cake ready with our cheese cream. अभी ये जो केक है क्रीम है इसी से मैं इसको क्रम्बल कोट भी करूंगी. हेलो मैम, थैंक्स फॉर टीचिंग अस. आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान. हाउ स्वीट. ट्राई टू मेक दिस केक और आप वहां पे भी आपके फैमिली को बना के खिलाना. आप भी मेरा ऑनलाइन क्लास ले सकते हो. आप पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान से मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास लिया है. तो इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड आप भी मेरा क्लास ले सकते हो. सी सच अ नाइस ली. ये चीज क्रीम से ही मैंने इसको फ्रोस्टिंग किया. नाउ दिस केक आपको थोड़ा देर के लिए फ्रिज में रखना है, बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं फ्रिज में रखूं, बाद में वापस लाइव जाओ. सो ये केक मैं डायरेक्टली आपको डिजाइन करके दिखाऊंगी. तो आप लोग जब भी घर पे बनाओगे तो ट्राई टू कीप दिस केक इन अ फ्रिज फॉर हाफ एन आवर सो दैट दिस विल सेट नाइसली. नाउ ये नॉर्मल क्रीम है, व्हिप क्रीम है, इसमें कोई चीज नहीं डला हुआ है. कोशिश करो कि सिर्फ पैलेट नाइफ का टिप यूज करें, पूरी पैलेट नाइफ ना यूज करें. मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ जस्ट यूज द टॉप पोर्शन ऑफ पैलेट नाइफ और हाथ को अच्छे से हल्का रखो. इधर ताकत का कोई जरूरत नहीं है हमें, ये हम केक बना रहे हैं. सो दिस इज नाइसली कवर्ड. नाउ दिस इज आवर स्क्रैबर. See the finishing of the cake, how beautiful the cake is looking. बिना कुछ किए भी कितना अच्छा लग रहा है. Your all cake is so yummy and looking so beautiful. Thank you. आप भी सेम केक बना सकते हो. Hi from Bahrain. So this is nicely ready. Now, what I'm going to do? This is a neutral gel. ये है neutral gel जो मैं ले रही हूँ. एक बाउल में ले लो. हल्का सा पानी डाला एंड आई एम पुटिंग मैजिक कलर का रेड कलर इन दैट और इसको अच्छे से मिला रही हूं. नाइसली मिक्स इट. ग्लिटर mix it nicely.